हेलो फ्रेंड, तो आज इस वीडियो हम जानने वाले हैं कि 60 डिग्री, 120 डिग्री और 90 डिग्री का कोण आप कैसे बनाइएगा और उनके लिए आवश्यक सामग्री, जैसे कि यहाँ पे एक इंची लेना है आपको और एक पेंसिल, उसके साथ ये जो डिवाइडर है उसको लेना है। उसके बाद इसको आप इस तरह से पहले लगा लीजिएगा अंदर में। उसके बाद इसे नापने के बाद देखिएगा, अगर इसका दोनों का अगर बराबर आता है तब जब आप कोण बनाइएगा तो एकदम सटीक बनेगा। और साथ ही साथ एक मिटावन भी होना चाहिए, उसके साथ एक शॉर्पनर भी। हम आपको बताना चाहेंगे सबसे पहले 60 डिग्री का कोण बनाने के लिए। सबसे पहले 60 डिग्री का कोण बनाने के लिए मान लीजिए ये इंची लिए, उसके बाद हम इसको सबसे पहले इस तरह से रख लेंगे एकदम सीधा, और इसको हम इस तरह से एक छोटा सा लाइन खींच लेंगे। ये मेरा एक लाइन हो गया। अब हमें करना क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम इसको रखें, इस तरह से रखें, ये जो मेरा जो आकार है यहाँ पर जो हम लिए हैं चांद की सहायता से, इसको हम इसको इस तरह से घुमा देंगे। इसे हमें इस तरह से घुमाना है। उसके बाद घुमाने के बाद ये जो जैसा है इसको हिलाना और डोलाना नहीं है, बल्कि जैसा है वैसा ही रहने देंगे, और इसको इस बिंदु पे रखेंगे जहाँ पे कटा है, यहाँ पे रखेंगे और इसको फिर से एक बार हम इस तरह से घुमा देंगे। ये जो हमारा बना ये हुआ 60 डिग्री का कोण, यानी 60 डिग्री का एंगल बन चुका है यहाँ पे। इसको हम यहाँ पर रखेंगे और इसको यहाँ पे इस तरह से रख के इन दोनों बिंदुओं को हम आपस में मिला देंगे। ये लाइन थोड़ा टेढ़ा हो गया, इसको हम फिर से मिटा के मिलाने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये जो बिंदु है ये वाला, इसको हम इस तरह से रखेंगे और उसके बाद यहाँ पे इसको रख के सीधे इस तरह से लाइन मिला देंगे। ये हो गया 60 डिग्री का कोण, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे 60 डिग्री। अब हम बनाने वाले हैं 120 डिग्री। अब 120 डिग्री का कोण कैसे बनाएंगे उसके बारे में जानते हैं। इसमें भी एक छोटा सा इसे लाइन खींच लेंगे, मान लीजिए एक हम लाइन खींचे इस तरह से, ऐसे लाइन खींचे। उसके बाद हमें करना क्या है, ये जैसे कि मान लीजिए एक लिए और चाप को इस तरह से हमें पकड़ के इस तरह से सिंपली से इसको घुमा देना है। इसको हम इस तरह से घुमा दिए। हमें करना क्या है, यहाँ पर रखेंगे इसको और इसको इस तरह से घुमाएंगे, फिर यहाँ पे रखें, फिर इसको एक बार घुमा देंगे। यानी पहला बार जो कटेगा वो होगा 60 डिग्री, दूसरा बार जो कटेगा वो हो जाएगा 120 डिग्री। तो हमें करना क्या है, यहाँ पे ये वाला जो बिंदु है ये बिंदु, और यहाँ पर जो बिंदु है ये जो देख रहे हैं ये बिंदु और ये बिंदु को आपस में हम मिला देंगे। ये जो मिला इसको हम कहेंगे 120 डिग्री, इसको हम कहेंगे 120 डिग्री। अब हम बात करने वाले हैं 90 डिग्री कैसे बनेगा उसके बारे में। 90 डिग्री बनाने के लिए सबसे पहले आपको इस तरह से पहले एक रेखा खींचना है, खींच लिए रेखा। अब हमें करना क्या कि इसको हम इस तरह से रखें, इसको हम इस तरह से घुमा दिए। अब घुमाने के बाद यहाँ पे रखें, फिर यहाँ से एक बार काटे तो ये हुआ 60 डिग्री का कोण। अब फिर यहाँ पे हम रख के इसको एक बार फिर से काटेंगे तो ये हो जाएगा 120 डिग्री। अब 120 है तो यहाँ पे देखिए मेरा 60 पे है एंगल, इसी पर से हम इसको एक बार ऐसे घुमा देंगे। उसके बाद ये जो 120 वाला जो काटे थे यहाँ पे, इसको यहाँ पे रख के इसको चाप को ऊपर नीचे नहीं करना है, जितना है उतने रहने देंगे, इसको इस तरह से काट देंगे। यानी क्या किए, यहाँ से एक बार घुमाएँ और यहाँ से एक बार घुमाएँ। उसके बाद हमको इस तरह से इसको हमें इस तरह से मिला देना है। आप इसको इस तरह से मिला दीजिए, ये हो गया आंसर, ये हमारा हो गया 90 डिग्री का एंगल। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट से सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।